start with this question. Here it says, in figure, a circle with center O is inscribed in a quadrilateral ABCD such that it touches the side BC, AB, AD and CD at points P, Q, R, S respectively. AB is given as 29, AD is given as 23, angle B is given as 90, DS is given as 5 cm and they are asking us to find the radius. अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें कौन सी वैल्यूज दी हुई है, DS is given as 5, AD भी दिया हुआ है हमें, AD का मतलब क्या, A से लेकर D तक का डिस्टेंस विच इज 23, और दूसरी बात AB भी दिया हुआ है आपको विच इज नथिंग बट 29. अब यहाँ पे हमें अगर DS is given as 5 तो इसका मतलब क्या हुआ, DR भी हमारा क्या होगा, 5 होगा. Why? Because if we have a external point D and tangents are being drawn from that length, their length are equal to each other. तो DS अगर 5 है तो DR भी हमारा 5 होगा. What will be AR then? अब हमें पता है DA, DA किसके equivalent है, DR plus RA के, ठीक है, DR is DR plus RA. DA की जगह क्या है 23, DR की जगह 5 सब्सिट्यूट करोगे और आपने क्या फाइंड आउट करना है, RA. तो 23 माइनस 5 वुड बी देयर, RA की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर, ठीक है, RA इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. और अगर RA 18 है हमारा तो AQ भी हमारा 18 होगा, एज AR इज इक्वल टू 18, AQ वुड बी इक्वल टू 18. वाई, क्यों होगा ऐसा, बिकॉज we know the tangents drawn from external point are equal to each other. अब इसके बाद हमें QB find out करना है. अब QB find out करना है easy है because I know AB किसके equivalent है, AQ plus QB के. AB की जगह 29 substitute करोगे, AQ की जगह 18, QB हमें नहीं पता. QB कैसे निकलेगा आपका, it would be 29 minus 18 which will be 11. 11 as QB आ गया आपका. तो अगर हमारा 11 QB है तो ऑपोजिट भी हमारा क्या होगा, इट वुड बी इक्विवेलेंट बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ हुआ है, ऑल ऑफ द एंगल्स आर 90, दिस मस्ट बी अ स्क्वायर देन, ठीक है. तो हमारा 11 इज हियर और ऑब्वियसली पीबी भी 11 होगा, सो देयरफॉर वी कैन स्टेट दैट रेडियस वुड बी 11 इन दिस केस, आर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर.